तो दोस्तों ये वाला बॉक्स अभी इधर मैंने लगाया था आपको याद होगा चिड़ियों के लिए कि वो इसमें अंडे देंगी, पर अभी तक इन्होंने इसको अपना घर तो बना लिया पर पता नहीं इन्होंने अंडे वगैरह दिए नहीं दिए, मैंने चेक नहीं किया। और बाकी ये देखें घास, ये इस तरफ भी घास डाल रही है, आपको नजर आ रहा होगा कि उस तरफ उस दूसरे कोने में कि इधर भी इन्होंने उस तरफ भी एक पैर ने जो अपना घर बनाया हुआ और एक इसने इसके अंदर पैर ने एक घर बनाया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं बॉक्स लेके आ गया अपने कॉकटेल के पेयर के लिए, अभी मैं गया था बर्ड मार्केट, उधर उधर से ढूंढ के बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, तो अभी लेके आ गया हूँ। और वाइट वाली मुर्गी भी आई है, अभी जाके बैठी है वो अंडा देगी, तो अभी इधर ये देखें बैठी हुई है। इसे मेरे ख्याल तंग ना करें क्योंकि इसने शोर डाल देना है, बहुत शोर डालती है बहुत ज़्यादा, और तंग करके रख देती है। और छत पे अभी मैं आ चुका हूँ सेटअप में, और इस तरह से है कि मैं पूरी मार्केट में घुमा फिर रहा हूँ, किसी के पास भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से ये मिला बॉक्स। और इसे साथ लेके गया था क्योंकि बाइक पर इसे पकड़ के लाया मेरे साथ, और अभी चलते हैं सेटअप में दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से है कि कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसे इधर से उठाया था खाने के लिए, सॉरी इसके अंडों को चेक किया था और उसे खाना भी डाला था। और अभी इस तरह से मैंने मार्केट जाने से पहले से खाना डाला था, और बाकी डर रहा हूँ कि यार ये ना हो कि ये बच्चे ना निकाले, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे निकालेगी। इसे मैंने तंग तो किया था फिर भी। और अभी इस तरह से अंदर चलते हैं, जो कॉकटेल का पेयर है इसे बॉक्स दे देते हैं इसका जो नया लेके आए थे, ताकि उसमें भी ये ब्रीड करे और बच्चे निकाले। वाइट वाली मुर्गी की बात करूँ तो वो बैठी हुई है, उसे क्रोक होने वाली है, तो उसे हम क्रोक नहीं बिठाएंगे। और अभी चलते हैं सेटअप में। तो दोस्तों मैं अभी सेटअप में आ चुका हूँ, परिंदे माशाल्लाह से सारे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों इनकी फ़ीमेल ने मुझे डराया हुआ है और आज फिर मुरझा के बैठी हुई है, और इनका केज जो है वो मैंने चेंज करना है। मैं बताता हूँ कौन सी साइड पर करूँगा, तो देखें फिर आप लोग, मैं करता हूँ चेंज। तो दोस्तों फाइनली मैंने केजेस को चेंज कर लिया, सेटअप केजेस से सफाई भी कर ली, और ख़ुद भी बड़ा थक गया हूँ मैं। अच्छा तो अभी ये देखें ठीक है, मैंने इस तरफ लगा ली, और बॉक्स में मैं आपको दिखाता हूँ किधर मैंने लगाया। और ये मैंने इनके लिए लगाया क्योंकि कॉकटेल ऐसा परिंदा है जो डरता है ठीक है, और उधर से कोई बंदा आएगा जब तो जारी सी बात है, तो फिर ये देख डरेंगे इधर से एकदम से, तो ये मैंने इस वजह से लगाया कि ये सिर्फ फिर डरेंगे नहीं ठीक है। बाकी ये परिंदे उस तरफ आमने सामने आ गए और ये इधर आ गए, तो ये देखें ये अब चेक करें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रहा बॉक्स इनका, इनको बॉक्स भी मैंने दे दिए दोस्तों। तो अब बस यही दुआ है कि ये जल्दी से ब्रीड करें अब मेरे पास। तो ये मैंने तब इधर किया क्योंकि इन्हें जो है कि धूप चाहिए होती है, तो सुबह के टाइम इधर से सुबह की जो पहली धूप होती है वो इधर से आती है इस तरफ से, इस रॉक से सीधी, तो उधर से बंद भी कर दिया है। वो वाली स्टिक सामने लगाई है, और स्टिक तब मैंने एक लगाई है कि ये दोनों का एक साथ बैठे ताकि फिर जल्द ब्रीड करें। और अभी देखें क्या करते हैं, और बॉक्स वगैरह भी दे दिए ना मैंने, और जो मैंने इन्हें डाइट वगैरह डाली थी यानी पालक के पत्ते, अभी तक इन्होंने खाए नहीं है, पता नहीं क्यों पर खाएंगे। तो अब देखें माशाल्लाह से सामने बैठे हुए हैं, तो वो जो सामने जाके बैठे अभी उस तरफ उस कोने में जुड़ गया है वो मेल है, और जो इस तरफ है ये फीमेल है। और बाकी उसके एज में भी कुछ लेके आएंगे बहुत ही जल्द। और ये अपडेट मैंने आपको देनी थी आज जो मैंने दे दी, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं नए परिंदे लेके आने वाला हूँ। पिछले रात को जाना था, सिर्फ ये कि रोता था पहला, तो फिर मैं नहीं जा सका। तो अभी ये फिर इसकी फीमेल अभी भी मुझे डरा रही है, पता नहीं क्या करेगी। तो इंशाल्लाह से मैंने अभी तक इसे देखा नहीं है, कल के ब्लॉग में मैंने आपको भी दिखाया था और खुद भी देखी थी, फीमेल को मैं देखूँगा एक नज़र। और इनका खाना पानी जो है वो मैंने चेंज कर दिया है, और मुर्गी को भी एक नज़र अब जाके देख लेते हैं, उससे मैंने खाना डाला था शायद उसने खा लिया हो। तो बाकी ये सेटअप की अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। तो दोस्तों मुर्गी अभी इधर बंद है, और अभी ये खाने शायद उठी हो, तो मेरे ख्याल से ये उठी है सर, तो ये उठी होगी क्योंकि काफ़ी इसका पहले उस तरफ थी जिस वक्त मैंने इसे खाने डाला था, तो आप इसका उस तरफ मुड़ के बैठी हुई है। और जा रहा हूँ यार जा रहा हूँ ये लो तो वो समझ रही है कि मेरे अंडे उठाने के लिए आया है। तो अभी इस तरह से है कि ये अपडेट मैंने आपको देनी थी, तो बाकी देखते हैं वाइट वाली मुर्गी को उसने अंडा दिया या नहीं दिया। तो दोस्तों ये बैठी हुई है काफ़ी देर से,
अभी तक इसने अंडा नहीं दिया और अभी खुद देख के उठेगी तब खुद मैंने ऐसे नहीं उठाना, अगर मैं उठाऊंगा तो इसने शोर डाल देना है। तो अब ये खुद अंडा इधर से दे के पहले तो शोर डालेगी फिर इधर से निकल जाएगी भाई। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार जल्दी से वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखना अपने प्यारे भाई को। अस्सलाम वालेकुम।